डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 15 यानी 15वां वीडियो। आप लोग इससे पहले हम कैप्सूल कोर्स क्लास 12वीं के लिए 14 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, देख लीजिएगा। आप लोग का प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को दिगंत हिंदी पद्य खंड से आप लोग को पार्ट 2 यानी इससे पहले जो आप लोग को पार्ट 14 में लाए थे, आप लोग को पार्ट 1 को लाए थे और इसमें पार्ट 2 को लाए हैं। सूरदास द्वारा लिखा गया पद्य खंड है। तो ये आप लोग को प्रश्न इसमें बताएंगे आप लोग को 40 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट VBI है। आप लोग एग्जाम में इस आप लोग को वीडियो से यानी इस पार्ट से 2 नंबर का आता है, तो इस वीडियो से भी 2 नंबर आएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 12वीं क्लास की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, जिला का नाम और अपना क्लास बता दीजिएगा, हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, नहीं तो अन्य मदद के लिए आपको कॉन्टैक्ट में रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, पहला दिया गया है आप लोग को सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की रचना बताना है। सूरदास की जो रचना है आप लोग को पद, पद लिखा गया है। देखिए यहाँ पे हालांकि सूरदास लिख दिए हैं पाठ का नाम, पाठ का नाम आप लोग को पद है, पद है, लेखक का नाम है आप लोग को सूरदास, हालांकि ये पद होगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिए कि पद के लेखक हैं आप लोग को सूरदास, यानी पहला का आप लोग को हो जाएगा डी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति में, तो सूरदास किसकी भक्ति करते हैं, तो ये करते हैं कृष्ण भक्ति, अंधे होते हैं और कृष्ण भक्ति में तो कृष्ण जी के भक्ति करते हैं। याद रखिएगा सूरदास क्या थे, अंधे थे, ठीक ना, और कृष्ण भक्ति में थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तब दूसरा का आप लोग को बी हो गया। तीसरा देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। भाषा बताना, मतलब किस भाषा के हैं, तो सूरदास जो हैं आप लोग को वज्र भाषा के हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। तो तीसरा का सी हो गया, इस बात को याद रखिएगा, वज्र भाषा। सूरदास देता है ये प्रश्न क्योंकि ये प्रश्न कई बार दे चुका है एग्जाम में, आगे भी आप लोग को देने वाला है। सूरदास किस भाषा के से प्रसिद्ध हैं या किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये वज्र भाषा के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए चार नंबर प्रश्न देखते हैं, चौथा दिया गया आप लोग को वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय बताना है, यानी एक कवि कौन है, तो वात्सल्य के कवि हैं आप लोग को सूरदास, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह ए, चौथा का ए हो गया। पांचवा देखिए, सूरदास किस धारा के कवि हैं, मतलब धारा बताना, मतलब किस धारा के। सूरदास जो हैं आप लोग को ये हैं कृष्ण सराई, मतलब कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण जी पे आश्रित रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह बी, पांचवा का बी हो गया। छः नंबर देखिए, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। कृष्ण कहाँ बैठ कर भोजन कर रहे थे, देखिए आप लोगों को ये पद लिखा गया है सूरदास द्वारा, तो कृष्ण जी को बताया गया है कहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे नंद की गोद में, यानी अपने पिता की गोद में कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों की जगह ए, छठवा का ए हो गया। नंद हालांकि उनके पिता नहीं है, उनके पिता का सखा थे, लेकिन पिता की तरह पाले, उनको बड़ा किए, ठीक ना। हालांकि आप लोग इसके बारे में जानकारी हो गई है कृष्ण जी के बारे में, तो वही कृष्ण की भक्ति करते थे सूरदास और उन्हीं के बारे में इस पद में लिखे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी गई। किसको हालांकि हो गया है, किसको सूचना दी गई, तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत जो पद है कृष्ण को, तो किसको सूचना दी गई है, तो ये सूचित मतलब सूचना दिया गया है आप लोग को भोर होने का, तो मतलब कृष्ण को भोर होने का सूचना दिया गया, जो कि ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा, 7वां का सी। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो ये काल बताना है, मतलब समय बताना है। तो सूरदास जो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो ये हैं आप लोग को भक्ति काल के, जो कि ऑप्शन में आप लोग को बी हो जाएगा। तो सूरदास भक्ति काल के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, 8 का बी हो गया। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया गया है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, मतलब सूरदास जो है नहीं लिखा होना चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सूरदास द्वारा कौन सा कौन लिखा गया है, तो सुर सागर है, साहित्य लहरी है और सुर सावली है, यानी सुर सार वाली है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी, जो सत्यसई है, सत्यसई सूरदास द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9वां का आप लोग को डी हो गया। चलिए 10 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को,
कौन सी रचना सूरदास की है, मतलब सूरदास जी द्वारा लिखा होना चाहिए। तो कौन सी रचना सूरदास की है, तो ये है आप लोग को सूर सागर, जो कि ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा सी, 10 नंबर का आप लोग को सी हो गया। चलिए हालांकि 11 नंबर देखिए दिए गए हैं आप लोग को, सूरदास किस चीज़ की भूख है, मतलब सूरदास को यहाँ को छूट गया है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है, सूरदास की जो भूख है आप लोग को ये है कृष्ण की जूठन की, यानी कृष्ण की जूठन मतलब ये सोचते हैं कृष्ण भगवान के जूठा खाने को मिल जाता तो अच्छा होता है। ये पाठ है मतलब कृष्णा जी के बाल लीला के बारे में बताए हैं, इस तरह से उस तरह से मतलब अपने आप को बताते हैं ना, तो कि मतलब हम जब ये कृष्णा जी जब बचपन में थे उस समय हम मेरा भी शायद जन्म होता तो अच्छा रहता, इस बारे में बताते हैं मतलब कि कृष्ण के जीवन को लेकर, मतलब बचपन का जो जीवन है ना उसी तरह के बताते हैं। सूरदास सोचते हैं मतलब समझते हैं कि काश उस समय मेरा भी जन्म हुआ होता जब कृष्ण जी शुरुआत में पल बढ़ रहे थे, छोटा होते हमको भी जूठा खाने को मिलता उनका। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा ए, 11 का आप लोग को ए हो गया, कृष्ण की जूठा के लिए मतलब भूख की थी उनके जूठा खाने की। चलिए 12 नंबर देखिए यहाँ पे, सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है, मतलब सूरदास की देखिए कोई फिक्स जन्मतिथि नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तभी, यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, अनुमानित तिथि दिया गया है, तो ये 1475 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, तो 12 का बी हो गया यानी 1475 ईस्वी। ठीक, 13 नंबर देखिए दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, अष्टछाप का नहीं है तो देखिए ये जो कवि हो जाएगा आप लोग को जायसी जो है अष्टछाप का नहीं है, नहीं तो आप लोग को हो जाएगा कुंभन दास और कृष्णदास और सूरदास, ये क्या है आप लोग को अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन ये जायसी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी कहिए, ये जायसी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी, 13 का सी हो गया। 14 नंबर देखिए, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। हालांकि आप लोग को थोड़ी सी अगर व्याकरण पता होगी तो अलंकार के बारे में पता होगा, अनुप्रास अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को जाएगा डी, 14 का डी हो गया। 15 नंबर देखिए, कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है, यहाँ सुर श्याम बताना है, तो सुर श्याम जो है अलंकार कौन सा है, तो ये भी व्याकरण से ही उठा लिया गया क्वेश्चन है आप लोग को, तो अनुप्रास है जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो हालांकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आया भी है तो इसको याद रखिएगा अनुप्रास। ठीक, चलिए 16 नंबर देखिए दिए गए हैं, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो अभी ही तो ऊपर के क्वेश्चनों में आप लोग को बताए हैं साहित्य लहरी जो है आप लोग को यह है सूरदास की, यानी 16 का आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। 17 नंबर देखिए, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, मतलब सूरदास जो रचना करते हैं उनकी भाषा क्या है, तो उनकी भाषा है आप लोग को वज्र भाषा, तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं, तो सूरदास जो है वज्र भाषा के कवि हैं। ठीक, चलिए 17 का बी हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कह रहा है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम, तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो ये वल्लभाचार्य थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह सी, 18 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहा है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, मतलब मार्ग मतलब रास्ता होता है, सूर्य मार्ग जो मतलब सूरदास जो थे किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो ये हुए थे आप लोग को पुष्टि मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 19 का आप लोग को सी हो गया। हालांकि ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है इस बार, तो ये प्रश्न दे दे। चलिए यहाँ पर 20 नंबर देखिए दिए गए, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सुर की भाव के पद गाते थे, मतलब वल्लभाचार्य से मिलने के बाद जो सूरदास थे मतलब सुर, वो किस भाव के पद गाते थे, मतलब कैसा पद गाने लगे, ये दयनीय, दयनीय मतलब दान करने वाले, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी, 20 का सी हो गया। चलिए 21 नंबर देखिए, सुरसागर किसकी रचना है, देखिए सुरसागर किसकी रचना है, तो ऊपर क्वेश्चन में आप लोग को बताए हैं सुरसागर जो है आप लोग को सूरदास की है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं बी होगा, यानी 21 का आप लोग को बी हो गया। ठीक ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर देखिए दिए गए हैं, अद्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है, खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है मतलब खाने की बात नहीं कहा गया है, मतलब क्या खाने की बात नहीं कहा गया है, तो ये आप लोग को जगह अपूप, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह डी। ठीक ना, चलिए बाकी दही मिश्री माखन खाने के बाद कहा गया, लेकिन अपूप खाने के बाद नहीं कहा गया, इसलिए डी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, सूरदास की कृति है, मतलब सूरदास द्वारा लिखा होना चाहिए, तो कौन है, तो आप लोग को साहित्य लहरी है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हालांकि ये भी प्रश्न बताए हैं, तो आप लोग कहीं से गलती ना कीजिए, कहीं से भूल मत कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी हम प्रश्न बताते हैं आप लोग अच्छा से याद रखिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को सटीक आंसर लगा पाएँ, और कम से कम देखिए ये हिंदी है तो 100 में से आप लोग आसानी से 90 ला सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रयास करेंगे, तो थोड़ा प्रयास यही करना है, तो मेरा जो भी वीडियो आ रहा है ऑब्जेक्टिव का तो सर क्लियर ही हो जाएगा, 50 में 50 ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रामर का भी बहुत ही
टॉप वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग ग्रामर भी समझ लीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है तो सब्जेक्टिव पे भी फोकस कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, कम से कम 90 आसानी से आप लोग ला ही पाएँ। ला भी लीजिएगा, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 24 नंबर देखिए, सुर सागर किस भाषा में रचित है, मतलब सुर सागर जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग जान गए होंगे, सुर सागर जो लिखा गया है सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। तो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है तो वो होगा ब्रज भाषा में ही, क्योंकि सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, तो 24 का सी हो गया। हालांकि देखिए सूरदास क्या थे, सूरदास अंधा व्यक्ति थे। इनको कहा जाता है आँख की रोशनी जो आई थी कृष्णा जी की भक्ति से आई थी, मतलब भक्ति कर रहे थे और उनको आशीर्वाद के रूप में इनकी आँख लौटा दिए थे कृष्णा जी, इस तरह से बताया जाता है। तब जाके ये लेखक बन गए, नहीं तो सूरदास शुरू में मतलब बचपन से क्या थे, अंधा थे। अब सोच लीजिए अंधा व्यक्ति एक लेखक बन गया और लिखने लगा, कविता लिखने लगा, ठीक ना। चलिए आप लोगों को वज्र भाषा हो गया। 25 नंबर देखिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो सूरदास के जो संकलित पद है, पद लिखा गया है, तो कौन सा रस है। तो ये रस है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 25 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पर 26 देखिए, कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या या कन्या। जैसे मान लीजिए नई नवेली दुल्हन की शादी होकर आती है, तो आप लोग कन्या बोलते हैं ना, लेकिन वो कन्या नहीं, मतलब वधू वाला ये औरत वाला नहीं, कन्या बताया जाता है। मतलब कन्या और कन्या में अंतर है। तो कन्या का मतलब होता है गोद, कन्या का मतलब होता है गोद। और नहीं भी मतलब होता है ना, तो आप लोग NCERT कम से कम पढ़ लीजिए, उसमें देखिए अर्थ दिया हुआ रहता है। NCERT का बुक जब पाठ ये ख़त्म करेंगे तो उसके थोड़ा सा बाद में पद मतलब कुछ दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सबका मतलब दिया रहता है। शब्दार्थ कहिए कैसे वर्ड मीनिंग दिया रहता है आप लोग को, तो उसी तरह शब्दार्थ दिया है। तो कन्या का मतलब होता है गोद। हालांकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को डी, यानी 26 का आप लोग को डी हो गया। इस बात को याद रखना जरूरी है, और ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। चलिए 27 नंबर देखिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। मतलब देखिए भगवान श्री कृष्ण किस कवि, मतलब भगवान कृष्ण को कौन कवि पूजता था। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो ये आप लोग को सूरदास पूजते थे, आप लोग को पता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी। तो 27 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर कह रहा है आप लोग को, कृष्ण भक्ति सखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण जी की भक्ति कौन करते थे, कौन से कवि, तो ये सूरदास जी करते थे। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जाएगा सी, 28 का आप लोग को सी हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो बारहवीं की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो खोज रहे हैं या पाठ पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब जो भी दिक्कत है उनको दिक्कत आप पूरा कम से कम कर दीजिए, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट है, कम से कम आप लोग उसकी दिक्कत को सॉल्व कर दीजिए ये वीडियो सेंड करके, ताकि ये वीडियो मिलेगा उनको तो जल्दी से जल्दी कम समय में तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे आप लोग को। तो अब आप लोग स्टेटस भी लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक ना। चलिए देखिए 29 नंबर देखिए, दिए गए हैं सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास जी द्वारा कौन सी रचना लिखा होना चाहिए, मतलब सूरदास जी कौन सी रचना लिखे हैं। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, सूरदास जो लिखे हैं सुर सागर लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 29 का डी हो गया। हालांकि देखिए इतना ही प्रश्न बताएं, और आगे का जितना भी प्रश्न है आप लोग से बनने लगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो देखिए एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपा रहता है, बस आप लोग उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुर सागर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया, तो 29 का डी हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी जो है आप लोग को आसानी से पता चल गया होगा अब, सूरदास की है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 30 का ए हो गया। चलिए 31 नंबर देखिए, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचना की भाषा है वज्र भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये एग्जाम में भी आने वाला है, इसको याद रखिएगा। 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए आप लोग 32 नंबर देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, मतलब दीक्षा गुरु सूरदास के दीक्षा गुरु थे, मतलब जो शिक्षा दीक्षा दिए ना, तो इनके कोई तो गुरु, मतलब हर कोई मान लीजिए लेखक बन गए या कुछ भी बन जाइए, तो आपका गुरु होगा ना कोई ना कोई, तो उसी तरह सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु थे आप लोग को बल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 32 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर कह रहा है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो ये थे पुष्टि मार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। हालांकि ये प्रश्न दोहरा दिए, तो आप लोग को 33 के सी हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहे हैं आप लोग को, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सुर मतलब सूरदास किस भाव के पद गाते थे। जो सुर किस भाव के पद गाते थे, तो वो थे दैन्य पद, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 34 का
सी हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर रचना है आप लोग को सूरदास की, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो गया, तो 35 का सॉरी बी हो गया, 35 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर कह रहे हैं अद्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं, मतलब खाने वाला पदार्थ की बात नहीं किया गया है, तो ये है आप लोग को अपूप, जो कि तीनों बात किया गया खाने के, लेकिन अपूप को बात नहीं किया गया, तो इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग को डी। हालांकि ये भी प्रश्न दोहरा दिए हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। चलिए देखिए 37 नंबर सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति कौन सा है? सूरदास के मतलब सूरदास द्वारा लिखा होना चाहिए, सूरदास द्वारा लिखा होना चाहिए आप लोग को साहित्य लहरी, जो कि ऑप्शन आप लोग को जगह सी, 37 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 38 देखिए सूर सागर किस भाषा में रचित है, मतलब सूर सागर जो लिखा गया है किस भाषा में, तो ये सूरदास सागर जो है सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया है पहले ये जानिए, तो सूरदास, और सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो वो वज्रभाषा, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोग को वज्रभाषा, यानी 38 का आप लोग को सी हो गया। 39 देखिए सूरदास के संकलित पद में कौन रस है, तो संकलित पद में रस है आप लोग को वात्सल्य पद, यानी वात्सल्य रस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, तो 39 का बी हो गया। तो देखिए आप लोग को अब लास्ट प्रश्न बता रहे हैं 40 क्वेश्चन, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो आप लोग को, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कराना भूलिए, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ताकि एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। चलिए आप लोग को 40 प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर आप लोग दिया गया है कन्या का अर्थ क्या होता है, तो कन्या का अर्थ होता है गोदी गोद, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह डी, तो 40 का डी हो गया। तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।